Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बहुत ही अच्छा है, इजी है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा भी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो आप सबने देखा होगा, आप करते भी हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो आपको पता ही है। बस थोड़ा टेक्निकली देख लेते हैं कि क्या होता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जिसमें दो या दो से अधिक लोग जो एक दूसरे से अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं, ठीक है, एक स्थान पर बैठे नहीं है, मतलब उनकी लोकेशन जो है वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग जगह पे हैं, वो ऑडियो या वीडियो के द्वारा, मतलब अपनी आवाज भेजकर, अपनी वीडियोस भेजकर, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं या किसी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है कि दो या दो से अधिक बंदे हैं, उनकी लोकेशन भी अलग अलग है और वो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, अपने वीडियोस शेयर कर पा रहे हैं, मतलब एक दूसरे को देख भी रहे हैं, एक दूसरे की ऑडियो भी सुन रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं, एक दूसरे तक अपने विचार पहुंचा रहे हैं, मतलब किसी बात पे अगर वो डिस्कस कर रहे हैं, किसका प्रयोग करते हुए? कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करते, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर नेटवर्क तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो वही क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए वीडियो कैमरे का प्रयोग किया जाता है ना? और इसका जो प्रयोग है वो कहाँ होता है? दैनिक मीटिंग में होता है, कोई भी सभा करनी है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई भी राजनीतिक या सामाजिक स्थितियों पर विचार विमर्श करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? इसके लिए सबसे पहले होता है कि हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, वेब कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए, कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविजन या प्रोजेक्टर, मतलब कोई तो आउटपुट स्क्रीन होनी चाहिए ना डिस्प्ले होने के लिए, लाउड स्पीकर होना चाहिए और एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सपोर्ट करे, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं? दो हो सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। डिटेल में नहीं देखना कि पॉइंट टू पॉइंट क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मल्टी पॉइंट क्या है, जस्ट हमें पता होना चाहिए कि दो टाइप की होती है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट। तो क्या होती है आपको अच्छे से पता है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है ये भी आपको पता ही है ऑलमोस्ट, और कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एक वॉल है, मतलब एक दीवार है, किसके बीच में? दो नेटवर्क के बीच में। कौन कौन से दो नेटवर्क? एक तो अपना बनाया हुआ नेटवर्क जो बिल्कुल सेफ है, जो हम सेफ रखना चाहते हैं, एक बाहर का नेटवर्क, ठीक है। तो उन दोनों नेटवर्क के बीच में क्या है? एक फायरवॉल है। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह नेटवर्क पर आने जाने वाले सिग्नल पर नजर रखता है, जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं उन पर नजर रखता है और उनको कंट्रोल करता है। जो आंतरिक नेटवर्क है, मतलब जो इंटरनल नेटवर्क है, वो तो विश्वसनीय होता है, हम सेफ रखना चाहते हैं उसको तो, और जो बाहरी नेटवर्क होता है वो अविश्वसनीय होता है। तो फायरवॉल क्या करेगा? इन दोनों के बीच में बैरियर का काम करता है। फायरवॉल यहां पे है, ये क्या करेगा? इन दोनों के बीच में बैरियर का काम करता है। ये कोई भी हार्डवेयर हो सकता है या हार्डवेयर के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। यह नेटवर्क को सुरक्षित करने वाला सिस्टम है जो कि अनऑथराइज्ड यूजर को नेटवर्क एक्सेस करने से बचाता है, क्योंकि जो बाहर का नेटवर्क है, जो कि अनट्रस्टेड नेटवर्क है, उसमें क्या होगा? बहुत से अनऑथराइज्ड यूजर होंगे जो हमारे नेटवर्क को एक्सेस करना चाहेंगे, तो उनसे बचाने के लिए क्या यूज होगा? फायरवॉल यूज होगा। फायरवॉल जो है वो एक फिल्टर की तरह यूज होता है दोनों नेटवर्क के बीच में, ताकि वो जो भी हार्मफुल इंफॉर्मेशन है उनसे हमारे नेटवर्क को बचा सके, और यह उसी ट्रैफिक को अपने में से गुजरने देता है जो उसके नियम के अनुसार सही हो,
मतलब उसको ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए आगे, ये सेफ है, इससे कोई नुकसान नहीं है, तो वो उसको जाने देता है। अदरवाइज वो यहीं पे उन इन्फॉर्मेशन को रोक लेता है। जो अनऑथराइज्ड यूजर्स है उनको इंटरनेट एक्सेस नहीं करने देता, मतलब अपने नेटवर्क में नहीं घुसने देता वो। तो जो फायरवॉल है वो क्या है, एक सुरक्षा प्रणाली है जो हमारे इंटरनल नेटवर्क जो है, जो हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क है उसके बीच में, और जो बाहर का नेटवर्क है अनट्रस्टेड उसके बीच में एक बैरियर का काम करता है, जो कि फिल्टर करके इंफॉर्मेशन भेजता है। जो इंफॉर्मेशन सही है, ओके है, सेफ है, उनको जाने देता है। बाकी उसको ये लगता है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन हार्मफुल हो सकती है, तो उनको वो नहीं जाने देगा। जो अनऑथराइज्ड यूजर है उनको वो वहीं पे स्टॉप कर देगा, एक्सेस नहीं कर पाएंगे वो नेटवर्क को। ठीक है, तो ये होता है फायरवॉल। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से देख लेने हैं, फायरवॉल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का जो चैप्टर है वो यही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहता है एक, वो है HTML। वो तो बहुत ईजी है, तो उसको हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसके अच्छे से तब तक नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।